हो ना हो यही वो अंधकूप है जिसमें से होकर हम उन 32 पुतलियों तक पहुंच सकते हैं। यही हैं वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल हमें कथा सुनाई थी और हमसे प्रश्न किया था कि उनका उद्धार कैसे होगा, किंतु इस प्रश्न का उत्तर बेताल को भी ज्ञात नहीं था, परंतु उसे ये विश्वास था कि हम इनके उद्धार का कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। प्रतीत होता है यहां कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो हमें इन पुतलियों तक जाने से रोक रही है, जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है, कौन है वो? अरे कहा था ना भद्रकाल, तुम अपने ही जाल में फंसने वाले हो। तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। हैरान देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल। मेरी पुतलियों को नष्ट कर रहा है। वो तुम्हारी पुतलियों का नहीं भद्रकाल, तुम्हारा अंत कर रहा है। धर्म अपने अंत से पहले ऐसे ही चीत्कार करता है भद्रकाल।
अपनी मृत्यु का उत्सव मनाओ भद्रकाल। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ा दी है, टाइम उसका बात करो, आनंद लो उसका। बेताल, बेताल। अब केवल मुख्य प्रतिमा शेष है। सफल नहीं होने दूंगा। अचकाल तुमसे दूसरी बार नहीं हार सकता, मैं अमर हूँ। अचकाल तुम्हें क्या लगा 1100 वर्षों के पश्चात मैं प्रेत घाटी से यूं ही आ गया हूँ? अरे मैं तुम्हारी अमरता के लिए मृत्यु का उपहार लाया हूँ। भद्रकाल का अंत हो गया। 1100 वर्षों से चले आ रहे अधर्म का अंत हो गया। भद्रकाल मारा गया, भद्रकाल मारा गया, भद्रकाल मारा गया। भद्रकाल बेताल को मारेगा, आ जाओ पकड़ ले मुझे। भद्रकाल काल और महाकाल से भी बड़ा होने का स्वप्न देखने वाला भद्रकाल आज स्वयं ही काल कल्वित हो गया। आई हो बेताल। राजन, संसार के सबसे बड़े शत्रु भद्रकाल का अंत हो गया। तुम्हारा 1100 वर्षों का अथक प्रयास अंततः सफल हो गया बेटा। राजन, इसका श्रेय भी तुझे ही जाता है। तो वास्तव में महान पराक्रमी और अपराजय है। मुझे गर्व है कि मैंने एक अपनी कथाएं तुझ जैसे धर्मात्मा और यशस्वी सम्राट को सुनाई, और प्रसन्नता है कि मेरा ज्ञान एक योग्य पुरुष के हाथों में है। बेताल, यदि तुम्हें हम पर विश्वास है तो तुम निश्चिंत होकर अपनी इस अभिशप्त प्रेत योनि से मुक्ति पा सकते हो। अभिशप्त? तुझसे किसने कहा कि मेरी प्रेत योनि अभिशप्त है? इसे तो मैंने अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वयं चुना है। हाँ बेताल, किंतु तुमने जिस उद्देश्य के लिए अपनी प्रेत योनि को चुना था उस उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है। अब तुम क्या करो इस प्रेत योनि में? तेरे कंधे पे सवार होऊंगा। बुरा मान गया विक्रम? नहीं बेटा, बुरा मानने का हमारे पास समय नहीं है। भद्रकाल के कारण पहले प्रजा के इतने सारे उत्तरदायित्व तो शेष है, अब हम कोई और बाधा नहीं चाहते। और मेरा उत्तरदायित्व राजन? तुम्हारा कैसा उत्तरदायित्व बेताल? अब तुम स्वतंत्र हो, जाओ लौट जाओ अपनी प्रेत घाटी। अरे कैसी स्वतंत्रता? अरे स्वतंत्र तुम अपने प्रेत लोक में था, वहां से तू मुझे बल पूर्वक खींच लाया है। अब तो मेरा उत्तरदायित्व भी तेरा ही है। बेताल, तुम्हें प्रेत घाटी से लाना कठिन था, प्रेत घाटी लौटने में कैसी कठिनाई? जाओ लौट जाओ अपनी प्रेत घाटी। नहीं नहीं नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो तुझे दिए अपने ज्ञान का प्रतिफल देखकर ही जाऊंगा। लौट जाओ बेताल, जाओ अपने प्रेत घाटी जाओ। तुम अपने मार्ग, हम अपने मार्ग। अरे ऐसे कैसे चला जाओ विक्रम? पहले तू मुझे नहीं छोड़ता था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अति सुंदर,
अति सुंदर। इतने दिए जलाओ, इतने दिए जलाओ कि दिए तले अंधेरा शेष ना रहे, ताकि महाराज जब वापस लौटे तो उन्हें ये प्रतीत होना चाहिए, उन्हें ये प्रतीत होना चाहिए कि महल के भांति उनके जीवन में भी केवल प्रकाश ही प्रकाश रहे। पद्मिनी, अभी तो महाराज के आने का केवल समाचार ही मिला है और इतना उतावलापन। भाविश्री, समाचार तो आ गया ना, महाराज भी शीघ्र ही आते होंगे। हमारे कहने का अर्थ ये था पद्मिनी कि अपने चेहरे की थोड़ी सी प्रसन्नता, थोड़ा प्रकाश देवर जी के आने तक भी बचा कर रखो, फिर कहीं ऐसा ना हो कि देवर जी के आने तक तुम किसी दिए की तरह बुझ ही जाओ। नहीं भाविश्री, प्रेमी सबसे बड़ा सुख होता है प्रतीक्षा, और जैसे जैसे ये प्रतीक्षा बढ़ रही है ना भाविश्री, वैसे वैसे हमारी उत्सुकता, हमारी प्रसन्नता भी बढ़ती जा रही है। किंतु पद्मिनी, गुरु गोरखनाथ ना करे यदि देवर जी के जीवन पर फिर से कोई संकट आ गया तो? पहले भी तो कई बार ऐसा हो चुका है ना? नहीं भाविश्री, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो समय बीत चुका है। अब केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। लीजिए, आप भी प्रसन्नता का दिया जलाइए। तब तक हम महाराज के लिए आरती का थाल तैयार करते हैं। दासी, पद्मिनी, मैं तुम्हारे और विक्रम की खुशियों में ऐसे ही आग लगाऊंगी। शपथ गुरु गोरखनाथ की। अरे विक्रम, कुछ बात तो कर। हमने कहा ना बेताल, हम दोनों दो अलग अलग लोग के व्यक्ति हैं। विक्रम और बेताल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए जाओ, लौट जाओ। अरे तू तो बड़ा स्वार्थी निकला, काम होते मुंह फेर लिया। मैं तो समझा था हम मित्र हो गए हैं। सबसे अच्छा मित्र तो भद्रकाल था, जिसने 1100 वर्षों तक साथ नहीं छोड़ा। मित्र था, और तुमसे बेताल मनुष्य और प्रेत को भी मित्र नहीं हो सकते। और वैसे हम तुमसे मित्रता करेंगे। वरण है तुम्हें, प्रेत घाटी में क्या कहते थे, हर बात पे मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमसे मित्रता नहीं करनी। मेरी बातें सीधा तुम्हारे हृदय पर लगी है। वो तुम्हें परिहास कर रहा था विक्रम, तुम तो बुद्धिमान हो, सब जानते हो। सब जानते हैं हम, इसीलिए कह रहे हैं हमारा मेल नहीं हो सकता। अरे तू तो ऐसे कुंडली मिला रहा है जैसे मैं तुझसे विवाह करने के लिए कह रहा हूँ। इतने वर्षों बाद प्रेत लोक से आया हूँ, तनिक दो चार दिन संसार तो देख लेने दे। जीवन भर की मित्रता की बात नहीं कह रहा हूँ, और नहीं तो मुझे राजकीय अतिथि बनाकर अपने राज्य में ले चल। राजकीय अतिथि, और तुम्हें बेताल, उज्जैनी की प्रजा ने तुम जैसे भयानक और डरावने प्रेत को देखा ना, तो उज्जैनी की प्रजा उज्जैनी छोड़कर यमपुरी प्रस्थान कर जाएगी। इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ मैं विक्रम। हो बेताल, देखो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे कारण उज्जैनी की प्रजा पर कोई संकट आए, इसलिए विनती करते हैं जाओ, प्रेत घाटी लौट जाओ। मुझ में संकट क्यों डाले हो? लेकिन अरे तेरे कारण ही तो मुझे मुक्ति मिलेगी। जब तक मुक्त नहीं हो जाता मुझे अपने राज्य में ले चल, वहीं तेरे राज्य में भटकता रहूंगा। अब बोल, तू मुझे अतिथि बना के ले जाएगा या मैं प्रेत बनकर चलूं? बोल। अरे इतना क्यों सोच रहा है विक्रम? ले चल विक्रम, ले चल मुझे राजमहल। वचन देता हूं किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। ले चल विक्रम।
बेताल, यदि तुम्हारे कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई। बेताल समस्या का हल है, समस्या उत्पन्न नहीं करता विक्रम। ले चल। ठीक है, अपना वचन मत तोड़ना। यदि तुमने अपना वचन तोड़ा तो हम स्वयं तुम्हें प्रेत घाड़ी छोड़कर आएंगे। चलो साथ साथ, चलो पीछे पीछे। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। एक और हुई भद्रकाल की दुर्गति, दूसरी ओर बेताल बनेगा विक्रम का अतिथि। आ गया। हमें पुतलियों में कैद करने वाला भद्रकाल, ये इसकी हालत किसने की? जिस भद्रकाल को काल भी नहीं छू सका, उसे कौन काल कालवित कर सकता है? कहीं है उसकी कोई माया तो नहीं, जिसके शरीर में जीवन भी नहीं बचा वो क्या माया करेगा? देवी महामाया, हमें बंधन में बांधने वाला, अपने जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भद्रकाल मर गया तो हमें हमारी मुक्ति का मार्ग कौन बताएगा? ये आप क्या कह रही हैं देवी? भद्रकाल ने तो हमसे हमारी शक्तियों को छीनकर हमें पत्थर की मूर्तियों में स्थापित कर दिया था। भले ही भद्रकाल ने हमें अपने बंधन में बांध लिया था, किंतु ब्रह्मदेव से मिले श्राप से हमारी मुक्ति का मार्ग भी केवल यही बता सकता है। देवियों, हमने सोचा था कि हमारे सारे संकट दूर होने वाले, परंतु हम तो पहले से भी बड़े संकट में घिर चुके। अब तो हमारी मुक्ति की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। देवी महामाया, आपके कारण ही हमारी ये दुर्दशा हुई है। अब हमारी मुक्ति के मार्ग भी आप ही को ढूंढना होगा। हमें भयभीत करने के स्थान पर हमें मुक्ति का कोई उपाय बताइए। अब केवल एक ही मार्ग शेष बचता है, और वह है भद्रकाल को पुनर्जीवित करने का, क्योंकि एक भद्रकाल ही है जो हमें इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति दिला सकता है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? यदि भद्रकाल दोबारा जीवित हुआ तो हमें पुनः पत्थर की प्रतिमाओं में स्थापित कर देगा। भद्रकाल को दोबारा जीवित करना हमारे लिए और भी ज्यादा घातक हो सकता है। देवियों, मैं आप सभी की चिंता समझती हूँ, किंतु भद्रकाल के द्वारा छीनी गई हमारी सारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। यदि भद्रकाल जीवित भी हुआ तो वह हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा। उसके जीवित होने से केवल हमें लाभ होगा, उसे नहीं। देवियों, भद्रकाल को दोबारा जीवित करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए हमें भद्रकाल को दोबारा जीवित करना ही होगा। आओ देवियों, हम मिलकर अपनी सम्मिलित शक्ति से भद्रकाल को जीवित करें, ताकि हमें हमारी मुक्ति का मार्ग मिल सके। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें पाताल से ढूंढ निकालूंगा। बेताल!